मतलब ये प्रयास किया जा रहा था कि महिला बिल पास हो जाए, महिला विधेयक बिल पास हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। अगर विपक्ष इतना ही साथ देता तो ये बिल बहुत पहले पास हो चुका होता। महिलाओं के लिए वो हमेशा बहुत अच्छा काम करते हैं, और मोदी है तो सब संभव है, हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। पुरानी संसद से रुक करके जिस तरीके से आज पूरा मंत्रिमंडल जो है नई संसद की ओर रुक कर रहा है, और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 5 दिन चलने वाले संसद सत्र में सबसे बड़ा विषय जो रहने वाला है वो महिला आरक्षण, क्योंकि अगर महिला आरक्षण बिल पास होता है, क्योंकि देखा जाए तो 27 साल से इसका इंतजार किया जा रहा था, 27 साल का वो संघर्ष कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर वर्ष 1996 में इसकी सबसे पहले जो है देवगौड़ा ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन उसके बाद कई सारे पड़ाव आए, सरकारें बदली, सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन महिला आरक्षण बिल की लड़ाई जो थी वो वहीं के वहीं चलती रही। तो अगर ये सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से पता चल रहा है कि महिला आरक्षण बिल नई संसद की नई इमारत पर एक नई पहल, एक नई उजागर करने के बतौर देखा जा रहा है, तो ऐसे में महिलाओं के दिलों में क्या है, महिलाएं इसको किस तरीके से देख रही हैं, हमारे साथ में महिलाएं भी हैं, और यहाँ की बात की जाए तो नंदीग्राम की पार्षद जी भी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके दिलों में क्या है, क्योंकि आधी आबादी को जो है अब पूरी तरह से हक मिलने वाला है। कैसा लग रहा है कि आधी आबादी को जब पूरी तरीके से हक मिल जाएगा तो क्या कुछ वो खुशी का माहौल देख रही हैं? जी बहुत बहुत खुशी की बात है कि पिछले 27 साल से महिलाएं इस चीज के लिए मतलब ये प्रयास किया जा रहा था कि महिला बिल पास हो जाए, महिला विधेयक बिल पास हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था, और ये मोदी जी की वजह से ही, मोदी जी ने एक तरीके से कह सकते हैं अपने बर्थडे का हमें रिटर्न गिफ्ट दिया है महिलाओं को, और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि महिलाओं की इससे बहुत सी भागीदारी बढ़ेगी। पहले क्या है, जो अलग हमारी देश की पार्टियां हैं वो महिलाओं को केवल एक वोट बैंक की तरह से लेती हैं, लेकिन नहीं, मोदी जी के लिए महिलाएं केवल एक वोट बैंक नहीं है, महिलाओं के लिए वो महिलाओं को हर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं को कितना, चाहे वो महिला सुरक्षा बिल हो, महिला की सुरक्षा की बात हो, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना हो, महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने जो शौचालय बनवाए गए हैं उनकी बात हो, महिलाओं के लिए वो हमेशा बहुत अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए जब सदन में 33% महिलाएं होंगी, क्योंकि कहा जाता है कि आज फर्श से अर्श तक का हर जगह कहीं महिलाओं की गूंज लगातार हो रही है, किसी एक घर को बनाने में महिलाओं का बहुत ही हाथ होता है, किसी चीज़ को संवारने के लिए महिलाओं बहुत जानी जाती हैं, एक सफलता की श्रेणी में भी महिलाओं को देखा जाता है। चूँकि अब सदन में भी 33% महिलाओं का आरक्षण होगा तो क्या लगता है कि राजनीति भी और बेहतरीन तरीके से चलेगी? बेहतरीन, बिल्कुल बहुत बढ़िया राजनीति होने वाली है, क्योंकि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में कहीं भी पीछे नहीं हैं, और राजनीति में तो काफ़ी, आप देखिए हमारे देश की राष्ट्रपति आज जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और हमारे जो बहुत ही आगे, मतलब महिलाएं किसी क्षेत्र में कहीं पीछे नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए बहुत खुशी की बात है, महिलाएं बहुत खुश हैं आज, बहुत खुश हैं। जैसा मेरी बहन छाया ने कहा है कि वो रिटर्न गिफ्ट दिए हैं तो वो दिए हैं, और मोदी है तो सब संभव है, हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। अगर 33% महिलाएं वहां बैठेंगी तो शायद देश का और ज्यादा विकास हो सकता है। इस बारे में बात को आप मानती हैं कि महिलाएं जो है बहुत अच्छे से संजो करके नई संसद की इमारत को पेश करेंगी? जैसे मतलब पहले भी कहा गया था कि पुरुष और स्त्री एक गाड़ी के दो पहिए हैं, बिल्कुल अगर वो गाड़ी कहीं भी डैमेज होती है तो फिर आगे नहीं चल सकती, इसलिए महिलाओं का हर जगह सम्मान हो रहा है, हर जगह, तो बढ़िया देश भी इसी तुल पे देश भी आगे बढ़ा है। कैसे देख रहे हैं कि 96 में इसकी नींव रखी गई, इस बहस की शुरुआत हुई, फिर 1999 में चर्चा हुई, फिर उसके बाद 1901 में भी, 2001 में, 2002 में लगातार चर्चा होती रही, 2010 में राज्यसभा में पेश हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो है रह गया, इसके लेकर के आंदोलन किए गए, तमाम चीजें हुई, और अब वो दिन आ गया है। माननीय देवगौड़ा जी जो वो मसाल लेके चले थे, अब माननीय मोदी जी तक आके पारित हो गया, इससे खुशी की बड़ी बात कोई है ही नहीं सकती, मोदी है तो सब संभव है। अच्छा, तो मतलब आप इसके लिए पूरा श्रेय जो है प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं? जी जी जी। देखिए विपक्ष ने भी इस पे जोर दिया है, विपक्ष की तरफ से भी कहा गया है कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, तो इसको क्या लगता है कि क्या वाकई विपक्ष का भी इसमें कहीं ना कहीं आप रोल देखती हैं? अगर विपक्ष इतना ही साथ देता तो ये बिल बहुत पहले पास हो चुका होता, और विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस तरीके से ये महिला विधेयक बिल पास हो, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी तो सब कर ही सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या लग रहा है नई संसद की जो नई इमारत है, जहां पर ये बिल एक तरफ से विलुप्त हो गया था और वो नई संसद में उजागर हो जाएगा?
बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरा यकीन है कि मोदी जी हैं तो जरूर होगा। बिल्कुल, तो देख सकते हैं निश्चित तौर पे लोगों के दिलों में क्या है, महिलाओं के दिलों में क्या है और किस तरीके से महिला आरक्षण बिल के लिए लोगों की क्या कुछ राय है आपने देखी। क्योंकि अगर देखा जाए महिला आरक्षण बिल, जैसे मैं लगातार इस बात को कह रही हूं कि 1996 यानी कि 1996 से लगातार इसकी लड़ाई जो थी, जो संघर्ष था महिलाओं के सशक्तिकरण का, सत्ता पर महिलाओं का हक का, वो आज कहीं ना कहीं पूरा होते दिख रहा है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर, कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।